बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के 34 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा आउट हो चुके थे। उसके बाद टीम इंडिया हारने वाली थी, मगर फिर भारतीय टीम ने बड़ा चमत्कार करते हुए पहले दिन 99% हारा हुआ मुकाबला जीत लिया बांग्लादेश के खिलाफ। दोस्तों अभी देखना चाहते हो टीम इंडिया ने पहले दिन कैसे जीता पहला टेस्ट, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर रोहित शर्मा मात्र 6 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। सुमन गिल अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि किंग कोहली 6 रन बना करके पवेलियन जा चुके थे और अब 34 रन पे भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। मगर उसके बाद ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 56 रन की धुआंधार पारी खेल डाली। ऋषभ पंत ने 39 रन का योगदान दिया और वहीं लोकेश राहुल मात्र 16 रन बनाकर के चलते बने। कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई केएल राहुल की बल्लेबाजी में। उसके बाद मैदान पे रवि जडेजा ने और आर अश्विन ने भयंकर बल्लेबाजी की, जहां पर अश्विन ने तो शतक ठोक दिया, मैच 112 गेंदों में 102 रन कूट डाले। तो वहीं रवि जडेजा अभी भी 86 रन बनाने के बाद नाबाद हैं। पहले दिन के खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने बना लिए हैं 339 रन 6 विकेट खोकर के। दोस्तों आपके हिसाब से पहले टेस्ट मुकाबले को कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।